हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी की तैयारी ऐसे चल रही होगी। वर्ड्सवर्थ की जो रिक्लोज, द प्रीलूड एंड द एक्सकर्शन के लिए मेरे पास कॉल आई थी कि इन पर कन्फ्यूजन है कि रिक्लोज क्या है, द प्रीलूड क्या है। हालांकि प्रीलूड के लिए तो मैं आपको जब वर्ड्सवर्थ को कैसे पढ़े उसमें बताया कि आपको अलग से पढ़ना है। तो इस वीडियो में आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर होगा, प्लस जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में कवर हो जाएंगे। दो वीडियो में इस पर बनाने जा रही हूँ। द रिक्लोज क्या होता है, प्रीलूड क्या है, उनके बारे में डिटेल है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसका क्रिटिसिज्म क्या था, उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट लाइंस होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है वो होगी। इसलिए आप दोनों वीडियो देखना ना भूलें। तो फर्स्ट चीज आती है कि रिक्लोज क्या है। दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है जो न्यू व्यूअर्स जुड़े हैं। द रिक्लोज क्या है, वर्ड्सवर्थ। एक तो रिक्लोज का मतलब समझिए, रिक्लोज होता है एक तरह से जो अकेला रहता है, सन्यासी की तरह रहता है, वो सन्यासी होता है या साधु संत जो होते हैं उनके लिए हम रिक्लोज का वर्ड का यूज़ करते हैं। वर्ड्सवर्थ विशेज टू पेन अ फिलोसफिकल पोयम द रिक्लोज बट इट रिमेन अनफिनिश्ड। क्या था रिक्लोज, वर्ड्सवर्थ ने एक सोचा था कि वो एक फिलोसफिकली पोएम लिखेगा रिक्लोज के नाम से, लेकिन ये हमेशा क्या रहती है, अनफिनिश्ड रहती है। तो ये चीज़ क्लियर होगी तो क्वेश्चन आ जाता है कि रिक्लोज पोएम की तीन रंग की विच वर्क इज़ अनफिनिश्ड ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो वहाँ चार ऑप्शन होंगे तो उसमें एक रिक्लोज होगा, तो रिक्लोज क्या थी, अनफिनिश्ड वर्क था वर्ड्सवर्थ का। तो ये चीज़ एक क्वेश्चन आपका यहीं बन जाता है, ये फिलोसोफिकल पोयम है, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। और द रिक्लोज जो है वर्ड भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में, तो एक आपका वर्ड मीनिंग आपका यहाँ से हो गया। तीन क्वेश्चन आपके इसी लाइन से बन जाते हैं। द प्रीलूड एंड द एक्सकर्शन आर टू बी द पार्ट्स ऑफ द रिक्लोज। जो प्रीलूड है और एक्सकर्शन है वो रिक्लोज के ही पार्ट्स समझे जाने हैं या उनके पार्ट ही है। एक्चुअली क्या था, उन्होंने जो रिक्लोज बुक थी उसको लिखने का पोएम, बड़ी पोएम लिखने का सोचा था, जिसके लिए उसने प्रीलूड और एक्सकर्शन उसी का पार्ट बनाने के लिए सोचा था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सका। रिक्लोज जो है ट्रीट करती है नेचर को, मैन को एंड सोसाइटी को। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रिक्लोज है किसको ट्रीट करती है, तो वहाँ पर ऑप्शन दे देंगे, या किसको नहीं करती है, तो इससे चार ऑप्शन होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, नेचर को करती है, मैन को करती है, सोसाइटी को करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रिक्लोज में से। द होम एट ग्रास मेयर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ रिक्लोज। रिक्लोज की जो फर्स्ट बुक थी वो द होम एट ग्रास मेयर थी। ऐसे पूछा जा सकता है कि विच इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ रिक्लोज, या विच इज़ नाम पूछ सकता है, गिव द नेम ऑफ द होम एट ग्रास मेयर। तो ये आपको आंसर देना है, रिक्लोज की फर्स्ट बुक थी ये। पब्लिश होती है 1888 में आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट। पोएट की डेथ कब होती है, वर्ड्सवर्थ की 1850 में, लेकिन ये पब्लिश होती है 1888 में। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब द प्रीलूड के बारे में समझते क्या है। प्रीलूड क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है। जब भी कोई ग्रेट वर्क लिखा जाता है उससे पहले उसके बारे में बताने को जो एक पोएट देते हैं, रेफरेंस देते हैं, तो वो प्रीलूड कहलाता है। तो यहीं पर प्रीलूड था। द प्रीलूड इज़ अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक पोएम थी। ये क्वेश्चन बन गया यहाँ पर कि प्रीलूड किसने लिखा। वर्ड्सवर्थ स्टार्ट राइटिंग इन 1798 में, ये आफ्टर लिरिकल बैलार्ड्स, जब लिरिकल बैलार्ड्स पब्लिश हो जाते हैं उसके बारे में लिखना शुरू करता है और फिनिश करता है इसको 1805 में। तो यहीं से क्वेश्चन बन गया आपको कि द प्रीलूड कब फिनिश होती है, 1805 स्टार्ट 1798। ऑप्शन में अगर 1798 नहीं है और 99 है तो आप जो है 99 कर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिनिश कब करते, 1805 में, और फाइनली पब्लिश्ड कब होती, 1850। ये तीनों क्वेश्चन तो आपको लर्न रखने ही हैं यहाँ पर। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1850 थर्ड वर्जन इम्पोर्टेंट बुक्स। मैं यहाँ क्या बता रही हूँ, कुछ थर्ड वर्जन बता रही हूँ। जो द प्रीलूड का थर्ड वर्जन पब्लिश हुआ था वो 1850 में हुआ था। इससे पहले दो वर्जन पहले पब्लिश हो चुके थे, अभी हम आपको आगे जिक्र करेंगे। और ये जो थर्ड वर्जन था जिसमें 14 बुक्स थी, वो उनकी डेथ के बाद किसकी अंडर एडिटरशिप में होता है, मिस्टर कार्टर, जो कि पोएट्स के सेक्रेटरी थे, और उनकी वाइफ ने ही इसका नाम दिया था द प्रीलूड। आगे भी इसका डिस्कशन होगा। इट प्रेजेंट्स द इम्प्रेशन ऑन द वर्ड्सवर्थ माइंड फ्रॉम हिज अर्लीस्ट रिकलेक्शंस टिल हिज मैच्योर मैनहुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच पोएम, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ इज़ द रिकलेक्शन ऑफ अर्लीस्ट माइंड। इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपकी द प्रीलूड हो गया।
वर्ड्सवर्थ प्लान इज टू मेक द प्रील्यूड अ पार्ट ऑफ हिज लॉन्ग पोएम द रिक्लोज। वर्ड्सवर्थ का जो प्लान था कि वो द प्रील्यूड को अपनी लॉन्ग पोएम रिक्लोज का एक पार्ट बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा वो कर नहीं सके क्योंकि द रिक्लोज कंप्लीट नहीं हुई। तो द प्रील्यूड जो है या इसका जो सब टाइटल है द ग्रोस ऑफ अ माइंड, सॉरी ग्रोस ऑफ अ पोएट्स माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द प्रील्यूड का व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ प्रील्यूड या फिर ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड इज़ अ सब टाइटल ऑफ द फॉलोइंग पोएम। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ये भी आपको याद रखना है। और ब्लैंक वर्स में, ब्लैंक वर्स क्या होते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर होते हैं, अनराइम फॉर्म में, या आप कह सकते हो ऐसा ये कि 5 मीटर में लिखा होता है, आयम्बिक मीटर में होता है जो अनराइम्ड होती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको बार बार चीज़ें बताती हूँ कि अगर आपको राइटर्स को पढ़ना है, उसके वर्क को पढ़ना, तो सबसे पहले आपको लिटरेरी टर्म पता होना चाहिए। लिटरेरी टर्म्स में मैं काफ़ी वीडियो डाल चुकी हूँ, हालांकि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन ब्लैंक वर्स क्या है, आपका मीटर क्या है, आयम्बिक क्या है, राइम्ड क्या है, सिलेबल क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप फिर रट्टा मारते रहेंगे कि ब्लैंक वर्स क्या है, हीरोइक कपलेट क्या है, बैलार्ड क्या है, ये सब चीज़ें आपकी ओन फिंगर होनी चाहिए। अब बात करते हैं, द प्रील्यूड इज एन एक्सट्रीमली पर्सनल वर्क एंड रिवील्स मैनी डिटेल्स ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइफ। प्रील्यूड क्या है, जैसे मैं पहले आपको बताया कि ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, तो जाहिर सी बात है ये वर्ड्सवर्थ की लाइफ की जो बहुत सारी डिटेल्स है वो उसके माध्यम से प्रकट होती है। दिस पोएम इज एड्रेस टू सेंट कॉलरिज। आप सभी जानते हैं कि एसडी कॉलरिज जो है, सेंट कॉलरिज जो है, वो वर्ड्सवर्थ के बेस्ट फ्रेंड थे। लिरिकल बैलाड्स इन्हीं के साथ इन्होंने लिखी थी, जो फेमस वर्क है वर्ड्सवर्थ का। और ये क्या था इसमें कि वर्ड्सवर्थ बिगिन करता है प्रील्यूड को 1798 में एंड कंटिन्यूड वर्क ऑन इट थ्रू आउट हिज लाइफ। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये 1798 में स्टार्ट किया, लेकिन इस पे वर्क टिल हिज डेथ, यानी 80 ईयर्स की एज में उनकी डेथ होती है, तब तक वो इस पे काम करता है। ही नेवर गेव इट अ टाइटल, उसने कभी इसको टाइटल नहीं दिया, लेकिन इसने इसको पुकारा पोएम टू कॉलरिज। कहाँ पुकारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन हिज लेटर्स टू हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ, उसने अपनी जब एक लेटर लिखा था अपनी बहन को डोरोथी वर्ड्सवर्थ, आप सभी जानते हो जब वर्ड्सवर्थ ने भ्रमण किया है तो उसके साथ में उसकी सिस्टर और उनकी वाइफ जो थी मैरी एचिनसन साथ साथ में रहे, तो उन्होंने एक लेटर लिखा था, तो उसमें उसको उन्होंने पोएम टू कॉलरिज पुकारा, लेकिन उसको कोई नाम पब्लिकली नहीं दिया था। The poem was unknown to the general public until the final version was published 3 months after Wordsworth's dream in 1850। ये poem जो होती है जनरल पब्लिक में ये क्या रहती है, अननोन रहती है, जब तक उसका जो final version है, final version का बहुत important माना जाता है, जो 1850 में after his death होते हैं, और इनकी wife ही इसके नाम को देती है द प्रीलूड। तो तब तक जब पब्लिक को उनके बारे में पता नहीं होता है। देखिए मैंने अभी बता भी चुकी हूँ आपको दो बार कि इट प्रजेंस टाइटल वॉज गिवन टू इट बाय हिज विडो मैरी हचिनसन, उनकी जो विधवा थी मैरी हचिनसन यानी उनकी वाइफ थी, उसने उसको नाम दिया था द प्रील्यूड। देर आर 3 वर्जन्स ऑफ दिस द पोएम, इसके 3 वर्जन थे। फर्स्ट था द 1799 प्रील्यूड, जो फर्स्ट वर्जन हुआ था 1799 में। सेकेंड था 1805 प्रील्यूड, जब उसे फिनिश कर देता है, और विच वॉज फाउंड, और उसमें क्या होता है ना, जो सेकेंड वर्जन है वो क्या था, ये फाउंड किया गया था, प्रिंटेड किया था अर्नेस्ट डी सेलिंग कोर्ट इन 1926 में, यानी जो उस टाइम तो पब्लिश हो ही गया, लेकिन उसकी बुक्स ना बड़ी इधर उधर भटकी हुई थी, इधर उधर थी, तो उन्होंने इसको इस पर थोड़ा रिसर्च किया और उन सबको उनको इकट्ठा करके ये 1926 में उसको उसने पब्लिश किया। किसने, अर्नेस्ट डी सेलिंग कोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रख लेंगे 1926 में किया, और तब ये 13 बुक्स उन्होंने पब्लिश की, उन्हें 13 बुक्स मिली थी, तो वो उन्होंने 1926 में उनको पब्लिश किया था। द 1850 प्रील्यूड, ये फेमस है प्रील्यूड, पब्लिश शॉर्टली आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ इन 14 बुक्स, जब उनकी डेथ के बाद ये पब्लिश होती है तो ये 14 बुक्स में पब्लिश होती है। तो आप कुछ डेट में दोबारा रिवीजन करा दूं, 1798 में ये क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, 1805 में ये इसे फिनिश करते हैं, मेन डेट बता रही हूँ, 1850 में 14 बुक्स के साथ ये पब्लिश होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मैनी बुक्स देर आर इन प्रील्यूड, तो आप 14 बुक्स ही देंगे, ना कि 13। अगर क्वेश्चन आए कि सेकंड वर्जन में क्या है, तो आप 13 बुक्स दे सकते हैं। तो ये मेन क्या है, ये डेट्स हैं, आपको इन डेट्स को ध्यान रखना है।
हम बात करते हैं वर्ड्सवर्थ इनिशियली प्लान टू राइट दिस वर्ड टुगेदर विद सैमुअल टेलर एसटी बोलते हैं सैमुअल टेलर कोलरिज क्या था वर्ड्सवर्थ स्टार्टिंग में इसका जो प्लान था वो एसटी कोलरिज के साथ लिखने का प्रोग्राम था लेकिन देयर जॉइंट इंटेंट बीइंग क्या क्यों था वे चाहते थे कि उनका जो जॉइंट कलेक्शन आए वो जॉन मिल्टन की पैराराइज लोड से भी लंबा हो बड़ा हो उनका ये प्लान था करने के लिए अगर ये कंप्लीट हो गया होता इफ़ द रिक्लोज हैड बीन कंप्लीटेड अगर रिक्लोज कंप्लीट हो गई होती तो ये क्या होता 3 times लंबी होती किससे पैराडाइज लोड से तो ये कंप्लीट नहीं हुई इसलिए क्या है पैराडाइज लोड को बड़ा माना जाता है आप सभी जानते हैं वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन दैट द ओरिजिनल आइडिया इंस्पायर्ड बाई हिज डियर फ्रेंड ओलरिज और वर्ड्सवर्थ ये भी एक्सप्लेन करता है कि जो मुझे इसका ओरिजिनल आइडिया आया था वो मुझे अपने डियर फ्रेंड्स कोलरिज से ही इंस्पायर हुए थे अब 14 बुक्स कौन कौन सी है प्रीलूड में वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक होगा एक्सकर्शन का भी प्रीलूड चल रहा है इसलिए वीडियो को ज़्यादा स्किप करके मत देखिए आप लोगों की बड़ी आदत होती है कि वीडियो को स्किप करके जरूर देखते हैं इंट्रोडक्शन चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम इस बुक में उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि उनका चाइल्डहुड कैसा था उनका स्कूल टाइम क्या था उनके बारे में ये अब डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कोई भी वीडियो मैं आपको ऐसे नहीं दे रही हूँ कि ऐसे ही उठाया दे दिया उसका डिस्कशन दे रही हूँ आपको बताने से पहले बहुत सारी चीज़ें खुद को पढ़नी होती हैं तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि चाइल्डहुड और स्कूल टाइम का जो वर्ड्सवर्थ ने लिखा है वो कहाँ लिखा है तो वो वर्ड प्रीलूड के इंट्रोडक्शन में लिखा है सेकेंड है स्कूल टाइम इसमें भी जो सेकेंड बुक थी स्कूल टाइम ही कंटिन्यू रहता है स्कूल टाइम को उन्होंने लिखा है थर्ड है रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज में आप जानते हो कि उनका रेजिडेंस था तो उन्होंने उसके बारे में लिखा है समर वेकेशन जब छुट्टियों में घर वे आते थे उनका समर वेकेशन का क्या रहा है वो लिखा है फिफ्थ में बुक्स के बारे में लिखा है उन्होंने सिक्स जो बुक थी वो कैम्ब्रिज एंड द एप्स कैम्ब्रिज में उनकी पढ़ाई हुई तो उनके और एप्स के बारे में लिखा है सेवन्थ बुक रेजिडेंस इन लंदन वो लंदन में रहे हैं तो कैसे उनका रेजिडेंस था उसके बारे में लिखा है रेट्रोस्पेक्ट लव ऑफ नेचर उन्होंने हम लव ऑफ नेचर के बारे में लिखा है लीडिंग टू लव ऑफ मैन 9th बुक थी रेजिडेंस इन फ्रांस जो फ्रांस में रहे थे उन्होंने किसके बारे में लिखा है रेजिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यू यानी जो उन्होंने 10th बुक में लिखा उसी कंटिन्यू आगे करते हुए लिखा 12th रेजिडेंस इन फ्रांस कंक्लूडेड तो यहाँ पर क्या था फ्रांस के बारे में बिल्कुल वो क्या कर रहे कंक्लूड कर देते हैं फाइनल कर देते हैं 13th बुक है इमेजिनेशन एंड टेस्ट हाउ इम्पेयर एंड रिस्टोर्ड कंक्लूडेड तो ये इमेजिनेशन क्या था टेस्ट क्या था कैसे वो ख़राब होता है कैसे रिस्टोर्ड होता है उसको कंक्लूड करके करते हैं और 14th बुक तो आपकी कंक्लूजन की थी तो टोटल 14 पोएम हैं बुक्स हैं इसमें से क्या होता है कि आपको 2-3 बुक्स ही याद आपको याद रखनी है कौन सी बुक में उसकी यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा और कौन सी बुक में उन्होंने अपने कॉलेज के या बॉयहुड के बारे में लिखा है वो आपको लर्न करनी है सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन पता होना चाहिए द एक्सकर्शन जो आप जानते हो जो रिक्लोज बुक थी उसका सेकेंड भाग है फर्स्ट द प्रीलूड सेकेंड आपका एक्सकर्शन और थर्ड कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है द एक्सकर्शन 1814 में पब्लिश हुई थी वर्ड्सवर्थ की पोएम है 9th बुक में है तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि एक्सकर्शन कब पब्लिश हुई 1814 में और वर्ड्सवर्थ की पोएम है जो 9 बुक्स में है आप देखिए कितनी पोएम लिखी थी जो 9 बुक में आई है इनकी वर्ड्सवर्थ स्टार्टिंग राइटिंग इट इन 1802 स्टार्ट करता है लिखना 1802 से और पब्लिश होती है 1814 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इट इज़ टू बी द सेकेंड पार्ट ऑफ द रिक्लोज यहाँ रिक्लोज की स्पेलिंग गलत हो गई एंड अनफिनिश्ड वर्क तो ये क्या एक सेकेंड पार्ट है रिक्लोज का जो कि एक अनफिनिश्ड वर्क था अब इसमें 9th बुक कौन कौन सी है वो आप देख लीजिएगा क्योंकि वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर दोनों राइटर ऐसे हैं कि इनका कोई भी वर्क आप ये नहीं कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट नहीं है सब वर्क आपके जान लेना चाहिए मतलब एक कुछ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं ना कि विच वर्क इज फॉलोइंग फ्रॉम द रिलेटेड टू ऐसा ऐसा रिलेटेड टू वर्ड्सवर्थ रिलेटेड टू शेक्सपियर तो आप वो तभी कर पाओगे जब आपको उनके पोएम के बारे में पता होगा तो द वंडरर सेकेंड है द सोलिटरी डिस्पोंडेंसी फिर है डिस्पोंडेंसी करेक्टेड द पास्टर द चर्चयार्ड अमंग द माउंटेन्स द चर्चयार्ड अमंग द माउंटेन्स कंटिन्यूड ये पूरा है यहाँ तक द पर्सोनेस डिस्कोर्स ऑफ द वंडरर एन इवनिंग विजिट टू द लेक
आर द टाइटल्स ऑफ द 9 बुक्स ऑफ द एक्सकर्शन। तो ये थे आपके 9 बुक्स जो थी एक्सकर्शन जो लेके। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको जो मिला है वो रिक्लोज क्या है, आपका प्रीलूड क्या है और एक्सकर्शन क्या है। प्रीलूड की 14 बुक्स आपको दे दी गई है इसमें, एक्सकर्शन की 9th बुक इसमें आपको दे दी गई है। नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी, जो फेमस लाइन है प्रीलूड से या क्रिटिसिज में है प्रीलूड के ऊपर जो किया गया है या रिक्लोज के ऊपर जो किया गया है, उनसे वो पोएम हो जाएगी। आई थिंक कोई भी क्वेश्चन आपका इस पोर्शन से छूटना चाहिए, हर चीज़ आपको लर्न हो जानी चाहिए। थैंक यू, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय।